हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं तीन ऑर्डर्स की हार्मनी की बात कर ली है, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन सोसाइटी। ये बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन अपनी अपने आप को बिल्कुल क्लियर हो गई है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्लियर है, दैट इज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। और कंटिन्यूटी के लिए ये है ना चार लेवल्स जहाँ अपना जीना है, उन चारों लेवल्स की व्यवस्था को समझना और उसको जीना, ये अपने आप में है ना अपना प्रोग्राम दिखाई पड़ता है निश्चित रूप से। तो उसमें जो एक बड़ी व्यवस्था है उसकी बात अब मैं शुरू करने वाली हूँ। प्रोसेस दैट विल रिमेन सेम, दैट विल बी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसको हम लोग है ना सिंस लास्ट 4 डेज वी आर प्रैक्टिसिंग। पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर वेरीफाई करेंगे प्रपोजल को जो भी आ रहा है सामने, और उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हुए म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल हैप्पीनेस, और नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हुए म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी है ना दिख रही है, हो पा रही है वैलिडेशन के बाद, तो हमारा जो ये प्रस्ताव है ये ठीक है, अदरवाइज प्रस्ताव को और समझेंगे, रिव्यू करेंगे। तो इस तरह की प्रोसेस के साथ हम लोग अब हार्मनी इन नेचर को समझने चल रहे हैं। इस नेचर को समझते हुए मैं पहले थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम लोग बहुत समय पहले से है ना नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, 3 दिन से 4 दिन से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस कंटिन्यूटी में है ना हार्मनी की है, फुलफिलमेंट की है और है ना प्रोस्पेरिटी की है। लेकिन इस व्यवस्था को, बड़ी व्यवस्था को देख के ऑब्जेक्टिव ये है कि ये देख पाए कि जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है, जो हमारी डिजायर है कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी की, एक्चुअली उसका नेचर में होने का प्रोविजन है, और वी आर जस्ट डे ड्रीमिंग। ये हम बस केवल सपना देख रहे हैं या इसकी व्यवस्था है। सो इज इट नेचुरल, इज देयर प्रोविजन है ना फॉर ऑल दीज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन नेचर। तो इसको एक्सप्लोर करने का अभी है ना इस पूरी स्लाइड में, पूरे प्रेजेंटेशन में हम लोग है ना अभ्यास करेंगे। तो अभी अगर नेचुरल देखें तो ये पाते हैं कि जैसा रजनीश जी ने भी अपने शेयरिंग में कहा था और फिर नरूला भैया ने भी कहा था कि एक गाइडलाइन है इसका कि जो प्रपोजल्स हैं वो नेचुरल हैं। तो नेचुरल का एक पैरामीटर ये कि वो मुझे सहज रूप से स्वीकार्य होना चाहिए, जिसको हम लोग पीछे है ना 3-4 दिन से बार बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं अपने बेसिस पे। और दूसरा एक पैरामीटर ये भी है कि वो सहज रूप से स्वीकार्य है, इसका एक्सटेंशन है ना वहां तक जाके खत्म होगा जब नेचर में उसके होने का प्रोविजन है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं मैं समहाउ ये देख पा रहा हूँ कि मुझे तो स्वीकार है लेकिन नेचर में उसके होने का प्रोविजन है, यहाँ तक वैलिडेट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए है ना कंप्लीशन पॉइंट ये है कि मैं इसकी नेचुरलनेस को नेचर में होता हुआ देख पाऊं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व। इसीलिए ये देखने की कोशिश करने जा रहे हैं कि कोएग्जिस्टेंस एक्चुअली नेचुरल है, म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी एक्चुअली नेचुरल है, या फिर ये कुछ अननेचुरल बात हम लोग सोच रहे हैं इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में नेचर को देखने की कोशिश करते हैं। नेचर क्या है? दिस इज वी आर है ना गेटिंग एज कलेक्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स इन फॉर्म ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, है ना, प्लांट्स, ग्रास, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बॉडी। सो दीज आर वेरियस यूनिट्स कंबाइंडली फॉर्मिंग नेचर। सो वी कैन से व्हाट इज नेचर, क्या है नेचर? दिस इज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑल टुगेदर, बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठा होकर के नेचर बना रही है। सो मे आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो नाउ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि मैं इस नेचर की व्यवस्था को ठीक से समझ पाऊं, तो मैं इन सारी यूनिट्स को है ना कुछ 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रही हूँ। और ये 4 कैटेगरी कुछ इस तरह से दिख रही हैं। एक कैटेगरी फिजिकल ऑर्डर की, जिसमें यूनिट्स लाइक सॉइल, मेटल है ना इस तरह की चीजें रख दी, एयर, वाटर, ये दीज वी केप्ट अंडर फिजिकल ऑर्डर। अनदर ऑर्डर वी आर गेटिंग, वी आर ऑब्जर्विंग लाइक बायो ऑर्डर, जिसमें सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये सब कैटेगरी वाइज हम लोग लोकेट कर पा रहे हैं। एक और ऑर्डर है जिसको एनिमल ऑर्डर के फॉर्म में देख पा रहे हैं, एनिमल ऑर्डर विच इज इंक्लूडिंग वेराइटी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज बर्ड्स। एंड अनदर फोर्थ ऑर्डर है ना विच इज कैरिंग एनिमल ह्यूमन, सॉरी, सो दिस फोर्थ ऑर्डर दिस इज कैरिंग ह्यूमन, एंड दिस ऑर्डर वी आर रेफरिंग एज ज्ञान ऑर्डर, नॉलेज ऑर्डर, बिकॉज दिस ह्यूमन इज इन कैपेसिटी ऑफ नोइंग। सो दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस है ना लास्ट 3-4 डेज कि दिस नोइंग कैपेसिटी इज देयर इन दिस ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। सो नाउ फॉर दीज 4 ऑर्डर वी आर है ना गोइंग टू ऑब्जर्व
माइन्यूटली, इज देर एनी कनेक्शन बिटवीन दीज फोर ऑर्डर्स? ये चार ऑर्डर्स, इनमें क्या कुछ कनेक्टिविटी है या चारों अलग अलग है? सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट दीज फोर ऑर्डर्स आर म्यूचुअली रिलेटेड. ये जो चारों ऑर्डर्स हैं ये आपस में म्यूचुअली रिलेटेड हैं. और इसको देखने के लिए पहले दो ऑर्डर्स का रिलेशनशिप देखते हैं. म्यूचुअली रिलेटेड भी हैं और म्यूचुअली एनरिचिंग भी हैं, यानी इन सभी ऑर्डर्स में म्यूचुअल फुलफिलमेंट है. इसको है ना वेरीफाई करने के लिए पहले दो ऑर्डर्स को देखते हैं. म्यूचुअल फुलफिलमेंट को कैसे देखेंगे? म्यूचुअल का मतलब कह रहे हैं कनेक्टिविटी है, रिलेटेडनेस है. और है ना फुलफिलमेंट का मतलब कह रहे हैं कि एनरिचमेंट है, एक दूसरे के लिए है ना पूरक हो रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं. तो देखते हैं कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ऑर्डर्स में कैसे दिखाई पड़ता है. जैसे इन द कंडीशन ऑफ फिजिकल ऑर्डर व्हेन इट इज अवेलेबल है ना इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, एक सॉइल वाटर एयर इनका एक निश्चित कॉम्बिनेशन जब अवेलेबल हुआ तो उसमें फिर नेचर में प्रस्फुटन हुआ कुछ ऐसी इकाइयों का जिनको हमने है ना ग्रासेस कहा, एल्गी कहा, और उसके बाद फिर है ना और बाकी ये बढ़े और हमें श्रब्स मिले, पहले हर्ब्स मिले, फिर श्रब्स मिले, फिर ट्रीज बने. तो इस तरह से फिजिकल ऑर्डर कनेक्ट हुआ बायो ऑर्डर की ग्रोथ के लिए. और ये बायो ऑर्डर जब डिकम्पोज हुआ तो डिकम्पोज होकर के फिर से है ना एक साइक्लिक मैनर में दोबारा से अपने ओरिजिनल प्लेसेस तक पहुंच गया. सो वी आर ऑब्जर्विंग अ कनेक्टिविटी, अ रिलेटेडनेस बिटवीन दीज टू ऑर्डर्स, फिजिकल एंड बायो ऑर्डर. ये दोनों ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, लेकिन सिर्फ कनेक्ट नहीं हुए, म्यूचुअली फुलफिल भी कर रहे हैं. तो एवरी टाइम व्हेन फिजिकल ऑर्डर दैट इज है ना सपोर्टिंग बायो ऑर्डर, ये बायो ऑर्डर जब ग्रो कर रहा है, ग्रो करके अपनी शट डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो हर डिकम्पोजिशन में जो बायो ऑर्डर जब डेड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो ध्यान दें जो फिजिकल ऑर्डर है, से फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वो पहले से नर्चर हो जा रही है, ज्यादा स्ट्रेंथन हो जा रही है या डिटूरिएट कर जा रही है. सो आफ्टर ईच इंटरेक्शन जब बायो ऑर्डर डिकम्पोज कर रहा है जितनी बार, उतनी बार फिजिकल ऑर्डर को देखें, धरती को देखें, और स्ट्रेंथन कर रहा है और नर्चर कर रहा है. और जब उस स्ट्रेंथन धरती में, नर्चर्ड सॉइल में दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो प्लांट भी पहले से और ज्यादा पुष्ट हो रहा है या उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, डिग्रेड हो रही है, इसको देखें, इसको इवेलुएट करें. उसके फल, उसके बीज ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं या पहले से कमजोर हो रहे हैं, इसको देखें. तो वी विल सी दैट आफ्टर एवरी इंटरेक्शन, हर बार इंटरेक्शन में यहाँ पर एडिशन हो रहा है, एनरिचमेंट हो रहा है ना. तो ये ध्यान देने की जरूरत है, हर इंटरेक्शन के साथ यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं. तो जैसे जैसे इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे जैसे एक ऑर्डर दूसरे से ले रहा है, ये एनरिच भी कर रहा है साथ में. तो ये हियर इट इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट वी आर ऑब्जर्विंग. सो सी थर्ड ऑर्डर दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड. फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर एक बार एक निश्चित अनुपात में मिल गए, अवेलेबल हो गए, किसी भी प्लेनेट पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अर्थ इज हियर है ना, ये हमारे इमेजिनेशन में है ही, इसको हम विटनेस ही कर रहे हैं. तो यहाँ देखें कि फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर की प्रेजेंस में फिर एनिमल ऑर्डर के लिए ग्रोथ का सिचुएशन बनी, पॉसिबिलिटी बनी. और देखें ध्यान से तो एनिमल ऑर्डर भी सॉइल एयर वाटर से, यानी फिजिकल ऑर्डर से अपने रिक्वायरमेंट, अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, और साथ में फूड के फॉर्म में बायो ऑर्डर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है. तो अगर वेजिटेरियन है, हर्बीवोर से, तो सीधे सीधे हर्ब्स ले रहा है. नॉन वेजिटेरियन है तो भी है ना एक एक साइकिल के थ्रू, एक लिंक के थ्रू, एक कनेक्टिविटी के थ्रू बायो ऑर्डर से लिंक है. सो एनिमल ऑर्डर इज गेटिंग फ्रॉम दीज टू ऑर्डर्स है ना, बट नॉट ओनली गेटिंग बट ऑल्सो इन टर्न प्रोवाइडिंग. तो आफ्टर डेथ एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा, दिस इज एनरिचिंग फिजिकल ऑर्डर है ना. सिमिलरली एज बायो ऑर्डर इज डूइंग आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल्स ऑल्सो द फिजिकल ऑर्डर दैट इज बींग एनरिच्ड, मोर एनरिच्ड, ज्यादा ये है ना अपने आप में ये स्ट्रेंथन हो रहा है फिजिकल ऑर्डर, जब एनिमल ऑर्डर या एनिमल बॉडी डेड होकर के फिजिकल ऑर्डर तक पहुंच रही है. ये एनिमल ऑर्डर जो बायो ऑर्डर से फ्रूट्स है ना और बहुत सारा इनडायरेक्टली भी ले रहा है फूड फॉर्म में, अगर इन टर्न देखें तो ये एनिमल ऑर्डर बायो ऑर्डर को एनरिच भी कर रहा है. तो कई बार है ना जब जो इसको जब इसको खाते हैं प्लांट को, ट्विग्स को,
तो वहां से नेक्स्ट बड्स के प्रस्फुटन की पॉसिबिलिटी बनती है, सीड डिस्पर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है ना, हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है नेचुरल। तो इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के साथ ये तीनों ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ नेचर में कनेक्टेड दिख रहे हैं, है ना। सो देयर इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट विजिबल, वी कैन विटनेस इट वेरी क्लियरली इन नेचर, है ना। ऑल थ्री ऑर्डर्स आर वेरी एनरिचिंग, वेरी फुलफिलिंग विद ईच अदर। नाउ, है ना, जस्ट पॉन्डर ऑन फोर्थ ऑर्डर विच वी कंसिडरिंग एज ह्यूमन ऑर्डर, बिकॉज दिस ह्यूमन ऑर्डर कैन सी रेस्ट ऑफ द नेचर क्लियरली एज वी आर डूइंग टूडे। तो हमारे में कैपेसिटी है, हम ये ह्यूमन ऑर्डर, नॉलेज ऑर्डर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक नेचुरल अरेंजमेंट तो ऐसा ही है, नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ऐसी ही है कि हम इन तीनों ऑर्डर्स के साथ में, है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ ही रहना चाहते हैं। तो जब भी पूछ करके देखें कि चाहना क्या है, फिजिकल ऑर्डर कैसा मिले, हेल्दी और अनहेल्दी, है ना, सो वी ऑलवेज रिप्लाई लाइक हेल्दी एनवायरमेंट चाहते हैं। बायो ऑर्डर कैसा मिले, स्ट्रेंथेंड और डिफॉरेस्टेड, तो बार बार इसको देख पाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल। ये भी देख पाते हैं कि, है ना, एनिमल ऑर्डर ये अपने पास हो या ना हो, तो वी आर एबल टू ऑब्जर्व इट वेरी इजिली दैट यस वी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल ऑर्डर, दैट्स वाई दिस इज, है ना, फुलफिलिंग फॉर अस, वी आर इन नीड ऑफ। सो वी आर इन नीड ऑफ ऑल थ्री ऑर्डर्स, आर सस्टेनेंस इज डिपेंडेंट ऑन दीज थ्री ऑर्डर्स, दैट्स वाई वी नेचुरली से यस वी आर, है ना, इन नीड ऑफ दीज थ्री ऑर्डर्स, एंड वी ऑल्सो एक्सेप्ट दैट यस वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेचर, है ना, एंड वी वॉन्ट दिस को एग्जिस्टेंस, वी वॉन्ट दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट। बट सी इन एबसेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, इन एबसेंस ऑफ क्लियर, है ना, क्लैरिटी अबाउट दिस हार्मनी, वी एक्सेप्ट दिस नेचुरली, यस चाहते हैं, जैसा अभी उमेश भैया भी कह रहे थे कि डिजायरेबल है, ये तो देख पाते हैं, को एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट में अपने को, है ना, पा करके सुखी होना चाहते हैं। लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूशन की स्थिति में आते हैं तो अपने रोल को देखें, अपने पार्टिसिपेशन को देखें, क्योंकि इस पूरी हार्मनी को समझने के लिए अभी एजुकेशन में अपने को पर्याप्त, है ना, समय नहीं मिला, स्पष्टता नहीं मिली, चाहे वो इनफॉर्मल एजुकेशन फैमिली से शुरू हुई, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन जो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिली, लेकिन इस व्यवस्था को समझने का अगर उसमें इनपुट नहीं रहा, अगर उसमें कंटेंट नहीं रहा, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई ओन पार्टिसिपेशन, ऑल्दो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई नेचुरल डिजायर फ्रॉम दीज थ्री ऑर्डर्स। तो बिल्कुल चाहते हैं कि युगो युगो तक, जेनरेशन टू जेनरेशन, ये तीनों चीजें मेरे लिए फुलफिलिंग हो। इसको एक पॉज दे करके रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत है कि मैं चाहता तो यही हूँ कि नेचुरल एक्सेप्टेंस रहे। तो इसको थोड़ा, इस रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करिए, दिस कॉल इज, है ना, फॉर यू ऑल टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग फॉर ऑल ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर्स के साथ मेरा म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो, है ना, और टू डोमिनेट और एक्सप्लॉयट द अदर थ्री ऑर्डर्स। सो व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, इसको देखने की जरूरत है, अपने डिजायर को, है ना, पॉन्डर करने की जरूरत है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं साथ साथ में कि अभी हमारी करंट स्टेटस क्या है ना, क्योंकि हार्मनी को, है ना, यानी इनर कॉन्ट्राडिक्शन को, हार्मनी विद इन के लिए ये दोनों स्टेट देखना जरूरी है, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस और हमारी करंट स्टेटस। सो इन आर लिविंग, है ना, आर वी म्यूचुअली फुलफिलिंग, क्या हम, है ना, इस उभय तृप्ति के लिए काम कर पा रहे हैं जीते हुए, क्या हम इस को एग्जिस्टेंस को, इस म्यूचुअल फुलफिलमेंट को निर्वाह कर पा रहे हैं। तो फिर से इसको आंसर करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए टू ऑप्शंस आर हियर, यस एंड नो। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दीज टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू बी इन म्यूचुअली फुलफिलिंग विद ऑल थ्री ऑर्डर्स, और टू डोमिनेट और एक्सप्लॉयट अदर थ्री ऑर्डर्स, एंड व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट इन आर लिविंग, वेयर वी आर फुलफिलिंग with the rest of the three orders, or we are not fulfilling with others. So this is important to ponder on. अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से अपने को दिखने लग जाता है कि all our actions, है ना, in due course of development, so called development with all skill technology, whatever we are getting through education, through modern education, what we are doing with physical order. See,
So we are getting responses. Yes, natural acceptance is to be mutually fulfilling with all, you know, orders. So 99% of us are able to see our natural acceptance very clearly. But what is our current status? Now we are, you know, 50-50%, this we are reflection we are getting that yes, sometimes we are in state of fulfilling this. Some of you are saying yes, we are in state of doing this, and rest are admitting that not, you know, in state of fulfilling, but we are in state of dominating. So this, you know, this impartial evaluation, this honest evaluation is desirable for next planning, for next, you know, performance, for next program. But see, right now what we are doing, you know, with various industries, when we are not in state of visualizing how much is needed, what we are doing, we are polluting surrounding, or we are enhancing, upgrading surrounding. This is important to see, you know, what we are doing with air, water and soil. Is it enriching day by day or degrading because of our actions? What we are doing with bio orders, you know, we are intended towards, we are planning, we are programming towards, you know, afforestation or for deforestation. Our actions are with animals, what we are doing, we are involved in killing them directly, you know, or means for sensational pleasures or for our own needs, as well as indirectly, you know, by destructing forests. So what is our own deeds at present? This is important to, you know, ponder on. बहुत इम्पोर्टेंट है अपने पार्टिसिपेशन को देख पाना कि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, है ना. और ये भी इम्पोर्टेंट है देख पाना कि चाहते क्या है. तो चाहते तो बराबर यही है कि, है ना, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग इन तीनों के साथ म्यूचुअली फुलफिलिंग हो पाए. कभी नहीं चाहते डोमिनेशन करें, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ राइट एजुकेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना, टोटल विजन, जो हमारा जो एक वर्ल्ड व्यू है वो अभी नहीं हो पा रहा है. वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ सीइंग दिस नेचर विद क्लैरिटी इन एब्सेंसिया ऑफ कंप्लीट कंटेंट इन एजुकेशन. दैट्स व्हाई चाहना तो बराबर देख पा रहे हैं कि तीनों ऑर्डर्स के साथ म्यूचुअली फुलफिलिंग, लेकिन समहाउ एज उमेश भैया वाज सेइंग कि जब हम करने लग जा रहे हैं अभी तो वी आर इन स्टेट ऑफ डोमिनेटिंग ओवर नेचर, है ना, मास्टरी ओवर नेचर. तो समहाउ ऐसा दिखने लग जाता है ना अपने एक्शन में कि अभी हम डिसाइड करने लगे हैं, ऑल्टर करने लगे हैं नेचर को, है ना. तो पहाड़ अननेसेसरी क्यों खड़े हुए हैं, इन पहाड़ों को काट करके क्यों नहीं घर बना सकते हैं, क्यों नहीं पावर प्लांट्स बना सकते हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज बना सकते हैं. दिस टाइप ऑफ इमेजिनेशन एज आई स्टार्टेड, है ना, सो दिस इज रनिंग इन आर मीन्स इमेजिनेशन. तो इस तरह से पहाड़ों को काटो, नदियों का रास्ता बदलो, है ना, इवन डिफॉरेस्टेशन करो, और वो सब करो जो मेरे लिए मुझे जरूरी लग रहा है ना. तो बजाय होलिस्टिक विजन के, नेचर में जो है वो कुछ प्रोविजन के साथ है, इसके बजाय मैं अपने को सेल्फ सेंटरशिप में पा रहा हूँ, और इस सेल्फ सेंटरशिप में सेल्फ को देखना भी नहीं हो पा रहा है ना. तो ठीक से सेल्फ का पता नहीं चल पा रहा, और मैं इन पूरे ना सारी इन एंटिटीज को अपने फेवर में यूटिलाइज करने के प्रोसेस में जुट गया हूँ. तो इसलिए ये बहुत सारा प्रयास मेरा चल रहा है, एक्सेस माइनिंग का प्रयास चल रहा है, बिना ये देखे हुए कि कोयले की, है ना, माइका की, एल्यूमिनियम की, सबकी अपनी एक कोई रिक्वायरमेंट है नेचर में, किसी प्रोविजन के साथ है वो. बट वी आर इन स्टेट ऑफ राइट नाउ जस्ट एक्सट्रैक्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ, है ना, कॉम्पिटिशन, कि मुझे अपने को साबित करना है, मुझे डोमिनेट करना है रिसोर्सेस के मामले में. तो इसलिए डे बाई डे मैं एक्सट्रैक्शन में लगा हूँ, एक्सेस एक्सट्रैक्शन में लगा हुआ हूँ. So please ponder on. So this is important to get reflection here, that what we are doing and what we are desiring, is there any gap, you know, or are we in state of fulfilling this gap? So see, this next poll is for you. The problems we see around us today, like deforestation, atmospheric carbon dioxide level beyond, you know, 410 ppm, that is normal being 250, melting of glaciers, ice, glacier region, global warming and climate changes. These are natural problems. Science already has clear understanding of nature. So this is where we are, that is fine. Or these are unnatural, unintended, man-made problems showing lack of right understanding on the part of human being. So this is important to see. So science, technology, we are implementing. And when the science and technology that is not guided through right understanding, are we in state of seeing this harmony? Are we in state of
है ना, दिस होलिस्टिक विजन अबाउट नेचर, दिस व्यवस्था, बिना इसको देखे हुए साइंस और टेक्नोलॉजी को अभी फिलहाल है ना रेकमेंड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वी आर इन स्टेट ऑफ ऑब्जर्विंग विजुलाइजिंग दिस हार्मनी विद अ वर्ल्ड व्यू विद द रियलिटी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू पॉन्डर ऑन, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू सी क्लियरली. So we are going to get the results soon, and yes, we got that these are natural problems, and very few are seeing this, that these are natural problems actually, and many of us are able to see, almost, I mean 90% plus are able to see that these are man-made problems, and because of misreason is absence of right understanding about harmony, about nature. So this we are getting. So with this reflection, we are proceeding further. So when we want to understand nature or different orders, what will be the basis for categorizing these four orders? So activities, mainly, these activities will be basis for categorizing different orders, you know, as we are discussing since day second. तो अगर देखें तो फिजिकल ऑर्डर में मुझे दो एक्टिविटीज बहुत क्लियरली दिखाई पड़ती हैं. दीज एक्टिविटीज आर रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग. और ये रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग यानी पहचानना और निर्वाह करना, ये बायो ऑर्डर में भी दिखाई पड़ता है. जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो फिजिकल ऑर्डर जब भी एक दूसरे को एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ एक सा कंडक्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिले तो जगह के साथ समय के साथ कोई भी व्यक्ति है ना उस प्रोपोर्शन को है ना देख रहा हो, वो इनडेफिनेट नहीं होता. दैट इज ऑलवेज डेफिनेट. विद एनी ऑफ द प्लेनेट वी कैन सी डेफिनेट रिस्पांस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना. तो इस तरह का देख सकते हैं. जैसे सॉइल में अगर पानी को डालें तो दैट विल रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल इन अ डेफिनेट मैनर. देयर विल बी नो चेंज विद चेंज इन प्लेस और विद चेंज इन टाइम. So their conduct is, their activities are recognizing, fulfilling, and that is very definite every time, everywhere. Similarly, if we see plant order, here also two activities that is definitely, that is being observed in bio order too. Recognition, fulfillment ही उसमें भी दिखता है. तो अगर plant को देखें और seed को आप grow कराएं तो आप पाएंगे कि seed normally light की तरफ उसकी stem grow करती है और अगेंस्ट लाइट रूट की ग्रोथ होती है. ऐसे ही आप है ना बहुत सारे इन एक्सपेरिमेंटेशन को कर सकते हैं. तो जिस साइड पानी ज्यादा मिलेगा या आप पानी जिस साइड ज्यादा देते हैं, इरिगेट ज्यादा करते हैं, नॉर्मली रूट उस साइड में है ना ज्यादा ग्रो करती है. सो दिस इज रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट वी आर ऑब्जर्विंग नेचुरली है ना इन प्लांट्स, प्लांट ऑर्डर टू. सो फिजिकल ऑर्डर एंड बायो ऑर्डर, दीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू दीज टू activities, recognition and fulfillment. But the third order, animal order, that is with one additional activity that we are referring here as assuming. Assuming ka matlab hai, animal order ek aur activity isme dikhai padti hai, kyunki animal order decision making ke saath ho jata hai. So here self is joining. Decision making jab main keh rahi hu, iska matlab hai ki kuch conscious hai na ka inclusion ho raha hai. तो नेचुरली अगर व्यवस्था देखें तो एनिमल ऑर्डर डिसीजन लेकर के करने लग जाता है, काम करने लगता है. इसको डिफरेंशिएट करने की है ना कोशिश करते हैं कि प्लांट ऑर्डर में कुछ डिसीजन हो रहा है कि नहीं और एनिमल ऑर्डर में कुछ डिसीजन हो रहा है कि नहीं, फिर हम ठीक से देख पाएंगे कि ये एज्यूमिंग है ना, दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज एडिशनल इन एनिमल ऑर्डर. सो एनिमल इज एक्चुअली कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी. हियर सेल्फ इज है ना एडेड unit, self that is a unit combining with body forming animal, or this is actually facilitated by one of the additional activity assuming. So agar assuming ko dekhe to animal assumption ke saath kuch decision making karta hai. Jaise agar vegetarian ya herbivores ko dekhenge to apne selection mein, food selection mein koi gadbadi nahi karta. Aise hi agar hai na meat loving animals ko dekhenge तो अपने सिलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठीक है ना एज्यूम करके है ना पहचान करके फिर निर्वाह करता है. अपने को एक बॉडी मानता है और बॉडी के लिए जितनी रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है उसके सिलेक्शन में कोई गलती नहीं करता.
एग्जाम्पशन में एक मानना है उसका कि वो एक अपना शरीर है और शरीर की ग्रोथ के लिए उसको कुछ करना है, जबकि प्लांट्स के पास इस तरह का कोई मानना नहीं है। तो इसलिए देखें कि एनिमल को अगर जो रोटी देगा या जो उसकी ग्रोथ में सहायक होगा उसके साथ वो एक तरह का निर्वाह करेगा। तो अगर उसको है ना पुलिस जैसी जॉब वाले इस मान लीजिए किसी एनिमल को ट्रेंड कर देते हैं, डॉग को अपने पास रख लेते हैं, तो डॉग उस एजम्पशन के साथ मेरी बॉडी के लिए इनसे मुझे है ना कुछ मिलेगा, उनके साथ एक तरह का रिकग्निशन फुलफिलमेंट करते हैं। उसी डॉग को अगर कोई टेररिस्ट अपने पास पनाह दे लेता है, उसको ट्रेंड कर लेता है, तो टेररिस्ट के लिए भी उसी एजम्पशन के साथ उतनी ही लॉयल्टी के साथ वो डॉग इंटरेक्ट होता है। पर प्लांट के साथ ये एजम्पशन वाली एक्टिविटी नहीं है। तो प्लांट ऐसा नहीं करता कि जो जिसने उसे ग्रो किया है उसे मीठा फल देगा और जो जो उसको पानी नहीं देता या उसके लिए है ना फर्टिलाइजेशन का अवेलेबल नहीं कराता उसके लिए खट्टा फल डिसाइड करेगा। सो दिस डिसीजन मेकिंग इज नॉट देयर इन प्लांट्स। इन एनिमल दिस इज अनदर एक्टिविटी दैट इज बीइंग एडेड एंड दैट वी आर रेफरिंग हियर अज्यूमिंग। सो विद एडिशन ऑफ सेल्फ अजम्पशन स्टार्ट्स इन एनिमल ऑर्डर बट है ना सी केयरफुली इन ह्यूमन ऑर्डर। So what is difference between human and animal order? In animal, assuming, recognizing, fulfilling that is there as animals, but this is supported by one additional activity and that activity we are referring here that is there in human, there is potential for knowing, है ना? तो human में जानने का potential है और इस जानने के साथ इन तीनों orders को वो देख पाता है, इनकी व्यवस्था को देख पाता है और देख करके व्यवहार कर पाता है। तो अपने व्यवहार में अपने कंडक्ट में बाकी तीनों ऑर्डर्स में इस जानने का स्कोप नहीं है, है ना? लेकिन स्कोप नहीं है नेचर में इसलिए वो ऑलरेडी डेफिनेट जी रहे हैं क्योंकि उनमें जानने का कोई स्कोप नहीं है। रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट के साथ फिजिकल और है ना बायो ऑर्डर डेफिनेट कंडक्ट के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एनिमल ऑर्डर है ना उस जानने का स्कोप ही नहीं है, अजम्पशन के साथ में अपने डेफिनेट कंडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है अपने फूड सिलेक्शन में, है ना? अगर ह्यूमन इंटरवीन ना करे तो रादर उसका एग्जाम्पशन गड़बड़ नहीं होता, अपने को मान के चलता है इस तरह की मेरी शरीर व्यवस्था है, शरीर के लिए ये निर्णय लेना है, तो वो चाहे अपने है ना अपना नेस्ट बनाना है बर्ड को, वो तिनके का सिलेक्शन भी बहुत अप्रोप्रिएटली कर पाती है, घास का सिलेक्शन भी बहुत अप्रोप्रिएटली कर पाता है। तो एग्जाम्पशन के साथ रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट के साथ वो एक व्यवस्था में जी पाता है। लेकिन ह्यूमन के साथ देखें तो ह्यूमन में ये पोटेंशियल फॉर नोइंग दिस इज नेचुरल, ये एक्टिविटी है एंड दिस नेचुरल एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू फैसिलिटेट रेस्ट थ्री। अगर ये नोइंग एक्टिविटी है तभी हमारा ये अजम्पशन ये रेगुलेट हो पाता है और उसके साथ रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट भी रेगुलेट हो पाता है। इन एब्सेंस या समहाउ अगर ये नोइंग फैसिलिटेट नहीं हुई तो बहुत सारे है ना क्योस की पॉसिबिलिटी है। जैसे एक क्योस हम देख ही पा रहे हैं अभी फिलहाल कि ये जो अजम्पशन एक्टिविटी के साथ हमने है ना फिजिकल ऑर्डर को, बायो ऑर्डर को, एनिमल ऑर्डर को सबको अपने लिए मान लिया है ना, ये देख ही नहीं पाए कि ये दीज आर है ना फॉर को एग्जिस्टेंस, ये सभी को एग्जिस्टेंस में है, हम भी को एग्जिस्टेंस में है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर मेरे लिए फुलफिलिंग नहीं है तो पूरे नेचर में किसी के लिए भी फुलफिलिंग नहीं है। तो इसलिए हमने जो अपने लिए फुलफिलिंग नहीं है ये मान करके कि वो नहीं जरूरी है उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, उसको हटाना शुरू कर दिया, है ना? फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स आर नॉट यूजफुल फॉर मी सो लेट अस है ना डिस्ट्रक्ट है ना वैनिश टर्माइट्स, सो वी प्लान टू है ना फॉर्म एंटी टर्माइट्स। सो वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ सीइंग दिस हार्मनी होलिस्टिकली। अब ये वर्ल्ड व्यू नहीं है एजुकेशन में, अपने पास इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, इसलिए हमारे साथ बहुत सारी है ना ऐसे हमसे पार्टिसिपेशन हो जा रहा है, हमारा कंडक्ट ऐसा हो जा रहा है जो अगेंस्ट नेचर है। जैसे वी आर नाउ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकॉज ऑफ है ना इन एब्सेंस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर रिसोर्स डिप्लीशन बिकॉज वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ डिफाइनिंग डिसाइडिंग है ना हाउ मच इज रिक्वायर्ड फॉर मी, मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए कितना जरूरत है, और उस है ना एब्सेंस की वजह से वो सही समझ जो मुझे शरीर के लिए उपयोगी चीज को डिसाइड कर पाए और नेचर से उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर पाए, ऐसा डिसीजन मेकिंग अपने में अगर नहीं हो पाती एजुकेशन के इनकम्प्लीट कंटेंट की वजह से, तो मैं स्किल में बहुत सारा ट्रेंड होकर के बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लगाने में तो समर्थ हो जाता हूँ, खूब सारी इंडस्ट्रीज के साथ खूब सारे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो बन जाती है,
लेकिन ये खूब सारा प्रोडक्शन, खूब सारी इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज को ग्रेजुअली डिप्लीट कर देती है। सो नाउ वी आर इन कंपटीशन, बहुत सारा रिसोर्स डिप्लीशन इस कंपटीशन के चलते क्रिएट होने लगता है, क्योंकि पता नहीं है कितना एक्यूमुलेट करने के बाद मुझे प्रोस्पेरिटी की फीलिंग होने वाली है। सो नॉट इन स्टेट ऑफ डिसाइडिंग बॉटम ऑफ वेसल, इसलिए कितना प्रोडक्शन करना है कुछ पता नहीं, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट, इसलिए बहुत सारा इंडस्ट्रीज का है ना एस्टैब्लिशमेंट, और फिर बहुत सारा पोल्यूशन। अब जब ये बहुत सारा पोल्यूशन होता है तो इस पोल्यूशन को है ना मिनिमाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो नेचर का अपना अरेंजमेंट है, अपनी व्यवस्था है, दैट इज फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट तो हमने इंडस्ट्रीज लगाने में है ना खत्म कर दिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज ज्यादा जरूरी लगी, प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी लगा, उस कारण से ये जो नेचुरल क्लीनिंग थी पोल्यूशन की, ये चेक हो गई, स्टॉप हो गई हमारे पार्टिसिपेशन की वजह से, एंड दैट पार्टिसिपेशन विदाउट नॉलेज। इसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो गया, उसका रेगुलेशन नहीं रह गया नेचर में उसके हीलिंग की। सो ऑल्दो वी आर है ना ट्राइंग, बहुत सारा प्रयास अब इसके लिए कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए है ना, लेकिन उन ट्रीटमेंट के लिए फिर से अगेन वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, वेरियस इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड, वेरियस इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो नाउ वी आर ट्रैप्ड बिटवीन दीज टू, रिसोर्स डिप्लीशन पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन पोल्यूशन, है ना, इसको ट्रीट करने में ऐसे है ना ट्रैप में फंस गए। नाउ दिस इज वेरी राइट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन, जरूरी है यहाँ थोड़ा रुक करके अपने को और अपने पार्टिसिपेशन को देखने का। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन जरूरी है ले पाए कि देखें कि व्हाट इज उपासना दीदी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। Am I audible? हाँ, ब्रेक हो रही है Is it दीदी। disconnected? हाँ, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है हाँ, काफी। क्योंकि कनेक्शन थोड़े दिन नहीं के गया है, अभी दोबारा बताएं। अच्छा, नहीं अभी नहीं हो पा रहा है। भैया यहाँ कनेक्शन अभी गया है, आप भी हाँ, बताएं। फिर अभी भी ठीक नहीं है। भैया दिस इज हाँ कोई बात नहीं, ये कनेक्शन रीस्टैब्लिश कर रहा है अपने को, दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, तो जी, लेट अस गिव लिटिल अब ठीक पॉज, है, अब ठीक नाउ इट्स फाइन। जी हाँ, बढ़िया। अब ठीक। सो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू सी दैट व्हाट इज माय नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग, एंड फॉर दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट व्हाट इज द प्रोग्राम, वी हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट और हार्मनी इन नेचर, और वी जस्ट हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू टू सर्वाइव। तो अभी जीने के लिए जो भी करना है वो करते चले, या अपने लिए ये बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट बनती है, रिक्वायरमेंट दिखती है कि मुझे इस व्यवस्था को समझना चाहिए है ना, जिससे कि मैं हारमोनियसली जी पाऊँ इस व्यवस्था के साथ है ना। ये क्या लगता है अपने को, क्या रिक्वायरमेंट दिखती है, इसको देखने की जरूरत है। एंड वी गॉट दिस रिफ्लेक्शन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, हारमोनी इन नेचर। सो 97% ऑफ अस आर एबल टू सी दिस, दैट दिस इज आर ओन रिक्वायरमेंट राइट नाउ। नाइस। सो विद दिस रिफ्लेक्शन वी कैन प्रोसीड दैट अभी तो हम लोग है ना एजुकेशन में अभी पूरा हारमोनी को, व्यवस्था को देखने का फिलहाल अभी स्कोप नहीं बना, इसलिए यहाँ फंस गए, लेकिन व्यवस्था को देखना चाहते हैं, व्यवस्थित होकर के जीना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्विकली दिस नेचर एंड आर अपियरेंस इन दिस नेचर, जो पॉसिबिलिटी हुई हमारी अगर देखें तो हम लोग देख पाएंगे ये पिरामिड है ना ओरिजिन है हमारे है ना ग्रोथ का, ओरिजिन का अगर देखें तो किसी भी प्लेनेट पे यही ओरिजिन का आपको सीक्वेंस दिखाई पड़ेगा। वी कैन इमेजिन दिस फिजिकल ऑर्डर सबसे पहले किसी भी जगह पर है ना ग्रो करेगा, इमर्ज करेगा। वी कैन विटनेस दिस, वी कैन इमेजिन दिस है ना, एंड देयर इज नो नीड टू है ना रीच प्रैक्टिकली टू सी इट, दिस इज विद इन, अपने में देख ही सकते हैं। बिना फिजिकल ऑर्डर के प्लांट ऑर्डर इमर्ज ही नहीं करेगा। सो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर विल बी फिजिकल ऑर्डर टू फैसिलिटेट अनदर ऑर्डर, एंड प्लांट ऑर्डर विल इमर्ज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ फिजिकल ऑर्डर। सो फिजिकल ऑर्डर फैसिलिटेट प्लांट ऑर्डर, एंड दैट देन प्लांट ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर ये दोनों मिलकर के एनिमल सस्टेनेंस को फैसिलिटेट करते हैं, और फिर ह्यूमन ऑर्डर के सस्टेनेंस के लिए रेस्ट थ्री आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज नेचर्स नेचुरल डिजाइन है ना, वी आर अकॉर्डिंगली। और अगर इस डिजाइन को देखें तो हमारी सस्टेनेंस के लिए तीनों ऑर्डर जब आ गए तब हमारा ओरिजिन हुआ नेचर में। और अगर अपनी परसेंटेज को देखें है ना, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट
that percentage wise human being is less than 1%. You can see, you can witness in this this pyramid that rest of the orders are constituting almost 99%, and more than 99% of nature. And this 99% facility, and that is there for our own sustenance. Hamare liye ye 99% se zyada facility available hai. See, so I am dependent on rest of three orders, and this facility is not means not in crisis for us. So this is 99% and more that is already available. This is important to see, and a quantity as well as dependency. This vision is required to, you know, review once for our own understanding as well as confidence. To dekhne ki zarurat hai, hum teenon par dependent hain, aur isliye teenon ki prachurta hai hamare liye nature mein, hai na? To teenon orders, thoda sa isko reflect karke, aaram se soch karke dekhein ki kya nature mein koi struggle hai, koi, hai na, existence ke liye fight karne ki zarurat hai, ya ye harmony, ये है ना समृद्धि, ये प्रोस्पेरिटी, ये सर्वाइवेबिलिटी के लिए चांसेस हम देख ही पा रहे हैं. तो देखें, डू आई सी दैट माय सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन द अदर थ्री ऑर्डर्स? यू हैव टू आंसर इन यस और नो. अनदर रिफ्लेक्शन इज, कैन आई डू समथिंग टू नर्चर द अदर थ्री ऑर्डर्स बीइंग इन माय जॉब? तो अब हम ये देख पाए कि क्योंकि मेरी सस्टेनेंस के लिए तीनों ऑर्डर्स सपोर्टिव हैं और तीनों ऑर्डर्स इनसफिशियंसी भी हैं. इनसफिशियंसी है ना, ये बने रहे इतना अपने के, अपने एफर्ट, अपने पार्टिसिपेशन की जरूरत है म्यूचुअल, है ना, फुलफिलमेंट के लिए म्यूचुअल पार्टिसिपेशन की जरूरत है. अदर यूनिट्स आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, आई हैव टू डिसाइड माय ओन कंडक्ट. सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज फॉर डिसाइडिंग माय ओन कंडक्ट. तो पहला क्वेश्चन, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों पर मेरी डिपेंडेंसी है, मेरी सस्टेनेंस है, तीनों रहेंगे तभी मैं रह पाऊंगा, है ना. दूसरा, क्या मैं बाकी और सारे काम करने के साथ साथ बाकी, है ना, नेचर के तीनों ऑर्डर्स के साथ फुलफिलिंग हो पाऊं, ऐसा कर सकता हूं? सो दीस टू आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मी, एंड वी आर गेटिंग वेरी वेरी एनकरेजिंग रिस्पांस. यस ट्रू, वी आर, है ना, डिपेंडेंट ऑन ऑल थ्री ऑर्डर्स. दैट्स व्हाई यस वी कैन प्रोग्राम, है ना, टू बी इन हार्मनी विद द रेस्ट थ्री ऑर्डर्स. वेरी नाइस. So that means, hena, if our effort will be for maintaining, for, hena, participating harmoniously with rest three of orders, there is no chaos, there is no hassle, there is no as such base for any of the conditioning like avashyaktaen anant hain, sansadhan simit hain. Dhyan se dekhen to, mera apna population less than 1%, mere liye sansadhan more than 99%. आवश्यकताओं को अभी तक हमने देख ही लिया है. आवश्यकताएं शरीर के अर्थ में, है ना, शरीर को सुविधा की आवश्यकता है. नर्चरिंग प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन के अर्थ में आवश्यकता है. तो नर्चरिंग प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन को लेकर के आवश्यकताएं भी अनंत नहीं है, सीमित है, सीमित साधनों से पूरी की जा सकती है, और नेचर में ये संसाधन पर्याप्त है, मोर देन सफिशियंसी है. तो दैट मीन्स देयर इज प्रोविजन फॉर continuous prosperity for every human being in nature that is inherited. So we are talking about continuous happiness and continuous prosperity, and that means coexistence in nature, and that is natural. I want this, we all naturally desire this, and there is natural program, there is natural arrangement, and harmony available in nature for our own sake. So this is very very important, you know, exploration we have to do, one has to do, and we all are required to do. So with this, we are going to, you know, next slide. Is there next slide? We are going, yes. So this is in form of assignment for today. So see, mention any five programs each that you can make to ensure mutual fulfillment with the nature. As an individual, what we can do, as an organization, how we can participate as a part of society, what will be our responsibility. So we are required to, you know, mention or to, you know, suggest few programs. Numbers are five, maybe more. Additionally, you may like to watch another one documentary is recommended here. That is the 2005 documentary that was made with the title An Inconvenient Truth.
So this is advisable to see it, you know, here we will get, you know, what is happening right now with nature because of our own misunderstanding about nature, about harmony, and you can plan accordingly further with more efficiency for ensuring this harmony in nature. So this is all from my side. Summing up, if we can see, and there are four orders in nature in form of physical, bio, animal and human order. ना ये सभी इसको कलेक्टिवली कह रहे हैं नेचर है, इसमें बहुत सारा यूनिट्स हैं जिनको हम चार ऑर्डर्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। ये चारों ऑर्डर्स रिलेटेड हैं, म्यूचुअली फुलफिलिंग है, और ये रिलेटेडनेस, ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ये अपने को दिख जाए, ये व्यवस्था दिख जाए, है ना, इसका प्रयास हम लोगों ने किया। हम लोगों ने ये भी देखा कि इन सब में एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्टिविटी है तीनों ऑर्डर्स में, सॉरी चारों ऑर्डर्स में। नेचुरली तो कनेक्टिविटी है, लेकिन तीन ऑर्डर्स इस कनेक्टिविटी के साथ, है ना, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं नेचर में अपने को, है ना। कनेक्टिविटी दिखाई तो पड़ रही है क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस है और हमारे पास एक गाइडिंग फैक्टर है नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो उसके थ्रू देख तो पाते हैं इस कनेक्टिविटी को, लेकिन इन एब्सेंसिया ऑफ ये व्यवस्था समझ नहीं आई, इसलिए उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे। सो दिस इज द ओनली गैप वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। So this gap is required to be minimized with, you know, education. So that we are doing here, including value education, deciding what to do first, then how to do, then proceeding with how to do, that can minimize this gap. So with this, you know, I wish to conclude my presentation. And this is almost is over, time wise this is over to you. Full screen kar lijiye. Ji ji ji. ठीक है दीदी, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। नमस्ते सभी लोगों को, मेरे को जो अगले एक घंटे में रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, एक रिस्पांसिबिलिटी तो ये दी गई है कि कल जो नेचर तक की चर्चा पूरी हो गई है, उसके आगे एग्जिस्टेंस की चर्चा जो शेष है उसको पूरा करूं। तो एक तो एग्जिस्टेंस की चर्चा को पूरा करने का रिस्पांसिबिलिटी मिली है, और दूसरा ये जो पूरा 5 दिन में चर्चा हुआ है ह्यूमन बीइंग से लेकर के एक्सिस्टेंस तक का, इस सभी चर्चा को समअप करूं, ये दूसरी रिस्पांसिबिलिटी मिली है। और तीसरी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि इस पूरी चर्चा के समअप के साथ साथ एक व्यक्ति अगर इंडिविजुअल रूप में कुछ करने जाए तो इसके आधार पर क्या कर सकता है, उस पर थोड़ा बहुत बातचीत हम लोग करें। और फिर एक सोसाइटी के लिए अगर कुछ करने का प्लान अगर आदमी व्यक्ति सोचता है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, उस पर थोड़ी बहुत बातचीत हो। और फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डीन एक संस्था में अगर करने जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर थोड़ी बातचीत हो। तो एक तरह से ये 4-5 मुद्दे हैं जिनको मुझे अगले एक घंटे में कवर अप करना है। ठीक से देखने जाए तो ये 5 मुद्दों को अगर हम लोग ठीक से जब कवर करते हैं फुल 8-day वर्कशॉप में तो पूरा 1 दिन लगता है, तो लगभग 8 घंटे लगते हैं इसमें। तो इस 8 घंटे की चर्चा को, पूरे 1 दिन की चर्चा को अपने को 1 घंटे में एक तरह से रखना है। तो प्रैक्टिकली तो उसको एक सूचना के तौर पर ही मैं आप लोगों से साझा करने का प्रयास कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उस सूचना को जितना एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प कर पाऊं उसको आप लोगों के साथ प्रयास करूंगा, इस विजन के साथ कि एक बार ये सूचनाएं आपके विजन में आ जाए, आप इस पर सोचना शुरू करें, विचारना शुरू करें, फिर कभी किसी बड़े वर्कशॉप में फेस टू फेस मिले तो वहां पर इन चीजों को और गहराई से अंडरस्टैंड करने के लिए ठीक से चर्चा हो पाए। तो आपके विजन में ये बातें आ जाए, आप सोचना शुरू कर दें, इतने पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। लास्ट में ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जितना समय मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस बात को शुरू करता हूँ। तो जैसा हम सभी लोग इस बात पे पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, और उसको इंश्योर करने के लिए 4 स्तर की व्यवस्था, ह्यूमन, फैमिली, सोसाइटी, नेचर और एग्जिस्टेंस, ये 4 स्तर की व्यवस्था की हार्मनी को हम समझ पाए, उसमें जी पाए, उससे ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। उसका जो प्रोसेस है वो प्रपोजल विधि से है कि हम प्रपोजल इसके रिसीव कर पाए, जांच पाए, एक्सप्लोर करके जी के देख पाए, ये इसके इसका प्रोसेस है, जिसमें से पहले 3 हार्मनी डिस्कस हो चुके हैं कल तक, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी, और चौथे में से आधा हिस्सा शेयर हो चुका है, दैट इज नेचर। आज एग्जिस्टेंस पे हम लोग बात शुरू करेंगे। नेचर में जो कल बात हुई थी, बेसिकली जो उपासना दीदी ने बात रखी थी वो ये बात रखी थी कि 4 अवस्थाएं हैं,
और चार अवस्थाओं में अगर ह्यूमन बीइंग के अलावा शेष तीन अवस्थाओं को देखें तो ये तीन अवस्थाएं आपस में हार्मनी पूर्वक एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करती हुई दिखती हैं और ये तीनों मानव के साथ भी निर्वाह कर ही रही हैं। आदमी भी इनके साथ इस परस्पर पूरकता का निर्वाह करना ही चाहता है। तो इतने में देखें तो नेचर में एक इनबिल्ट हार्मनी दिखती है। बाकी तीन अवस्था तो ऑलरेडी हार्मनी में निर्वाह कर रहे हैं। आदमी का उस हार्मनी में निर्वाह करने की चाहना आदमी में इनबिल्ट है नेचुरली। एक तरह से ऑलरेडी नेचर में शेष चीजें हार्मनी में चल रही हैं और आदमी में भी हार्मनी में जीने की चाहना इनबिल्ट है। सिर्फ जो आगे काम करने की आवश्यकता दिखती है कि आदमी में शिक्षा संस्कार के माध्यम से ये योग्यता आ जाए कि जो वो इस बाकी तीन अवस्थाओं के साथ हार्मनी का निर्वाह करना चाहता है वो कर पाए, तो ये डाउट खत्म होता है और ये क्वेश्चन मार्क टिक मार्क में बदल पाता है और हम भी इस प्रकृति के इस हार्मनी में इस सुर मिलाकर जी पाते हैं। तो एक बेहतर नेचर बेहतर तरीके से इस नेचर के साथ हम लोग जी पाते हैं। एक ये मुख्य बात कल उपासना दीदी ने हम लोगों के साथ शेयर किया था। इस शेयरिंग में उन्होंने जो बात ध्यान दिलाई थी वो मुख्य बात ये ध्यान दिलाई थी कि अगर नेचर को डिफाइन करने जाएं तो हम लोग नेचर को कह रहे हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिट। तो सभी तरह के यूनिट मिट्टी है, पानी है, हवा है, पेड़ है, आदमी है, पशु है, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, मेटल्स हैं, इन सभी यूनिट्स के कलेक्शन को हम लोगों ने नेचर के रूप में डिफाइन किया। तब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, अगर ये सब नेचर का सभी के कलेक्शन को नेचर कहा तब एग्जिस्टेंस में चर्चा करने के लिए शेष क्या बचा? अगर सूरज, चांद, तारे, ग्रह, गोल, ब्रह्मांड, आकाश, गंगा, है ना, ये सभी को अगर मिलाकर के नेचर कहा तो एग्जिस्टेंस में चर्चा करने के लिए और शेष क्या बचता है? ये एक इनिशियल क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक बात तो ये, तब इस प्रश्न के साथ हम लोग इस एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे कि नेचर के अलावा और शेष क्या है जिसको अब इस एग्जिस्टेंस में देखना है। अगर देखने जाए तो एग्जिस्टेंस जिसको हम लोग हिंदी में अस्तित्व कह रहे हैं, अगर इसको संधि विच्छेद करें तो ये दिखता है अस्ति प्लस त्व। अस्ति का मतलब है या फिर होना और त्व का मतलब है व्यवस्था। तो एग्जिस्ट प्लस एसेंस, सो एग्जिस्ट मींस व्हाटएवर इट इज, जो भी है, और एसेंस मींस हार्मनी, व्हाटएवर हार्मनी एज इन फॉर्म ऑफ एसेंस वी हैव। तो एक बात ये कह रहे हैं कि अस्तित्व व्यवस्था में है ना, अस्तित्व व्यवस्थित है, लेकिन हम लोगों को ये एग्जिस्टेंस की चर्चा में एक्सप्लोर करके देखना है कि वास्तव अस्तित्व एक व्यवस्था है या कोई अव्यवस्था है जिसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो ये दूसरा प्रश्न हम लोग अगले कुछ मिनटों में एक्सप्लोर करेंगे कि एग्जिस्टेंस अपने आप में एक व्यवस्था है या नहीं, नंबर टू। नंबर थ्री, जो अगला तीसरा प्रश्न हम लोग इस अगले कुछ मिनट में एक्सप्लोर करेंगे वो ये है कि ये जो लिख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस, यू नो व्हाट इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, स्पेस एंड यूनिट। तो दो बातें कह रहे हैं कि यूनिट्स भी हैं, तो अर्थात सूरज, चांद, तारे, आदमी, पेड़, पौधे, ये सब यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट्स के कलेक्शन को नेचर कहा, अर्थात ये सारे यूनिट्स भी हैं और स्पेस भी है, जिसको हिंदी में शून्य कह रहे हैं, स्पेस भी है। तो दो तरह की वास्तविकताएं आ गई, बहुत सारे यूनिट्स आ गए और स्पेस भी एक नई वास्तविकता यहाँ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो अब इस स्पेस को समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है, बाकी यूनिट से भिन्न कैसे है और स्पेस और यूनिट का आपस में अंतर संबंध क्या है। इतने सारे प्रश्नों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अगले कुछ मिनट में। तो चार प्रश्न मैंने ध्यान दिलाए, एक तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नेचर के अलावा और एडिशनल क्या है इस एग्जिस्टेंस में जो चर्चा करना है, सो दैट इज अ स्पेस व्हाट वी वांट टू डिस्कस नाउ। और दूसरा, एग्जिस्टेंस में सब व्यवस्था है या नहीं, इसका एक्सप्लोरेशन। और तीसरा, स्पेस और यूनिट को कैसे सेपरेट करके देख सकते हैं, कैसे उनको हम अलग अलग समझ सकते हैं, कैसे उनके अंतर संबंध को समझ सकते हैं, ऐसे तीन मुद्दों पे हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो इन तीन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर एग्जिस्टेंस को ओपन करूं तो मैं, जैसा मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस में दो बातें हम लोगों ने रखी हैं, तो यूनिट्स और दूसरा स्पेस। तो पृथ्वी को देखें तो ये एक यूनिट है, चंद्रमा भी एक यूनिट है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी यूनिट्स हैं, हम आप भी यूनिट हैं, तो ये सब यूनिट्स हैं। स्पेस को देखने जाए तो स्पेस को भी कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे अगर हम पृथ्वी पर से कभी सूरज की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे और पृथ्वी और सूरज के बीच में स्पेस है। रात में अगर कभी देखें तो चंद्रमा दिखता है, तो चंद्रमा और तारे दिखते हैं, तो लगता है चंद्रमा और तारों के बीच में भी स्पेस है।
तो इनिशियली तो ये स्पेस दो इकाइयों के बीच में दूरी के रूप में हम लोग देख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने विजन को और फैलाएं, है ना, तो दिखता है कि चंद्रमा तो है लेकिन चंद्रमा और तारे के बीच में ही स्पेस है, ऐसा नहीं है। वास्तव में स्पेस सब जगह है, उसमें कहीं पर चंद्रमा है, कहीं पर तारे हैं, कहीं पर सूरज है, कहीं पर पृथ्वी है। तो धीरे धीरे पता लगता है कि सब जगह ये स्पेस है, ऑल प्रवेडिंग एवरीवेयर देयर इज, फैला हुआ जो है वो स्पेस है, उसमें जगह जगह पर ये सूरज चांद तारे ग्रह कुल हैं। तो दो बातें निकल के आई यूनिट्स और स्पेस के बारे में, अगर उसको थोड़ा और गहराई से समझे तो ये बात समझ में आती है कि जो स्पेस है ये ऑल प्रवेडिंग है, व्यापक है ना, अनलिमिटेड है, सब जगह फैला हुआ है। लेकिन इकाई को देखने जाए तो इकाई लिमिटेड साइज का दिखता है, जैसे पेड़ एक लिमिटेड साइज का इकाई है, पहाड़ उससे बड़ा इकाई है लेकिन लिमिटेड साइज है, चंद्रमा उससे बड़ी इकाई है लेकिन उसका साइज भी लिमिटेड है, पृथ्वी उससे बड़ी इकाई है लेकिन फिर भी उसका साइज लिमिटेड है, सूरज उससे भी बड़ी इकाई है लेकिन फिर भी उसका साइज लिमिटेड है। तो इकाई बहुत छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके साइज को देखने जाए तो साइज में लिमिटेड दिखता है। लेकिन अगर स्पेस को उसके रेफरेंस में देखने जाए तो स्पेस अनलिमिटेड दिखता है, ऑल प्रवेडिंग दिखता है ना, हर जगह फैला हुआ है ना। तो इस रूप में हम लोग स्पेस और यूनिट को अलग अलग करके देखने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक प्रपोजल तो ये है। दूसरा इसके साथ जो प्रपोजल है वो ये है कि अगर इकाइयों को देखने जाएं तो इकाइयां एक्टिव दिखाई देती हैं, क्रियाशील दिखाई देती हैं, है ना। तो जैसे पेड़ को देखिए तो पेड़ में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, उसमें कंपोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, नए पत्ते बन रहे हैं, पुराने पत्ते सूख के गिर रहे हैं, तो लगातार ये कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया पेड़ में चल रहा है। पेड़ बहुत सारे सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में, और ये सारे सेल है ना को देखेंगे तो वो फिर बहुत सारे एटम से मिलके, मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, और वो अपने स्तर पर प्रति क्षण एक्टिव है। तो पेड़ को देखेंगे तो अपने को ध्यान में आता है कि कंटिन्यूअसली एक्टिव है, एक तरह के गैसेस को ले रहा है, दूसरे तरह के गैसेस को छोड़ रहा है, सो कंटिन्यूअस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इनसाइड द ट्री। सिमिलरली अगर हम अपने बॉडी को भी देखें तो बॉडी में भी लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। सिमिलरली पूरे पृथ्वी को देखें, लगातार एक्टिव दिखता है, अपने जगह पे भी घूम रही है, चारों तरफ भी घूम रही है, इनसाइड भी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। चंद्रमा को देखें तो उसके बारे भी बहुत सारी एक्टिविटी का अनुमान लगता है, सूरज को देखें उसके बारे भी बहुत सारी एक्टिविटी का अनुमान लगता है, इवन जिस चेयर पे आप बैठे हैं अभी, जिस बेड पे आप लेटे हैं, क्या अनुमान है उसमें एक्टिविटी ये चल रही है कि नहीं। प्राइमरी फेस से देखें तो लगता है कोई एक्टिविटी उसमें नहीं चल रही है, पत्थर में कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, लकड़ी में कोई, लेकिन ठीक से देखने जाए तो उसमें भी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी चल रही है, कंपोज हो रही है कुछ चीजें उसमें आके, कुछ डिकम्पोज हो रही है। थोड़ा और बारीकी से देखने जाए तो पता लगता है कि ये कुर्सी, ये बेड, ये लोहा, ये आपका पत्थर ना जिस पे आप बैठे हैं, ये सभी जो है एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो किसी मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बने हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो हर क्षण हर पल एक्टिव। तो धीरे धीरे एक दूसरी बात निकल के आती है कि इकाइयां चाहे छोटी हों, चाहे बहुत बड़ी हों, चाहे उससे बड़ी हों, ये सब एक्टिव हैं। लेकिन स्पेस को देखने जाए तो स्पेस ऑल प्रवेडिंग तो है ना, इसमें सारी इकाइयां में जितनी भी हैं वो सब में एक्टिविटी दिखती है, लेकिन स्पेस की अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखती। सो देयर इज नो एक्टिविटी, है ना, दैट्स व्हाई उसको हम कह रहे हैं क्रिया शून्य है, शून्य है क्योंकि उसमें कोई एक्टिविटी है। यहाँ शून्य का मतलब ये नहीं कि स्पेस है नहीं, यहाँ शून्य का मतलब है स्पेस है बट उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उसको क्रिया शून्य कह रहे हैं, इसलिए उसको शून्य भी कह रहे हैं। तो एक्टिव क्रिया वास्तविकता के रूप में स्पेस है बट देर इज नो एक्टिविटी, क्रिया शून्य है इसलिए उसको शून्य कह रहे हैं। यहाँ शून्य का मतलब ये नहीं है कि स्पेस नहीं है, स्पेस है बट एक्टिविटी नहीं है उसमें। एक तरह से ये दो प्रपोजल के माध्यम से हम स्पेस और यूनिट को अलग अलग समझ सकते हैं। तो समझने के रूप में भले अलग अलग समझ सकते हैं बट ये दो वास्तविकताएं अलग अलग नहीं है, इकाई को कभी भी स्पेस से अलग नहीं कर सकते। स्पेस से अलग करके कहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेंगे स्पेस में ही रखेंगे, और जब अलग करने जा रहे हैं तब भी वो स्पेस में बना हुआ है ना। तो इकाई और स्पेस का ऐसा समर्जेंस है कि कभी इसको अलग किया ही नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि इकाई और स्पेस दो तरह की वास्तविकताएं तो हैं लेकिन आपस में समर्ज्ड हैं। इकाई आकार में सीमित है, क्रियाशील है, स्पेस को देखने जाएं तो अनलिमिटेड है, ऑल प्रवेडिंग है, सब जगह फैला है, क्रिया शून्य है, ऐसे दो तरह से इसको समझ सकते हैं। अब ये इकाई और स्पेस में जो समर्जेंस है अर्थात इन दोनों का जो अंतर संबंध है
उसको थोड़ा अगर समझने जाएं तो एक बात उसमें ये ध्यान में आती है कि यूनिट्स आर है ना एनर्जाइज्ड इन स्पेस, तो इकाइयां शून्य के सहअस्तित्व में है ना ऊर्जित हैं। आप सीधे सीधे देखिए अगर इकाइयों को ना, तो ये बात अपने आप दिखती है। तो जैसे हम पेड़ को देखें तो पेड़ में लगातार क्रिया चल रही है ना, ऊर्जित है। आप अपनी बॉडी को देखिए, लगातार क्रिया चल रही है, ऊर्जित है। सेल्फ को देखिए, उसमें भी लगातार एक्टिविटी चल रही है इमेजिनेशन के रूप में, ऊर्जित है, एनर्जाइज्ड है। लकड़ी जिस पे बैठे हैं, पत्थर जिस पे बैठे हैं, कुर्सी जिस पे बैठे हैं, उसमें भी एटम देखें तो लगातार एक्टिव है, एनर्जाइज्ड है। पृथ्वी लगातार अपनी जगह घूम रही है, एनर्जाइज्ड है। सूर्य में लगातार एक्टिविटी चल रही है, वो भी एनर्जाइज्ड है। तो धीरे धीरे देखने जाएं तो छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जाइज्ड दिखता है, एक्टिव दिखता है। बड़ी से बड़ी पृथ्वी भी एक्टिव दिखती है, एनर्जाइज्ड दिखती है। सूरज भी एक्टिव दिखता है, एनर्जाइज्ड दिखता है ना। यहाँ ये एक प्रश्न आ सकता है, कई बार हम लोग इस बात को चर्चा करते हैं कि पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। ये बात ध्यान में आती है कि कहते हैं कि सूरज से मिल रही है, तो सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो ये एक्सप्लेनेशन आता है कि वहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होकर हीलियम बन रहा है, उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ जाके इस प्रश्न को रोक देते हैं, बट इस प्रश्न को एक स्टेप और आगे बढ़ा के थोड़ा पूछें अपने से, ये हाइड्रोजन अपने आप में एनर्जाइज है कि नहीं, उसमें एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। तो बिफोर फ्यूजन भी हाइड्रोजन एक्टिव है, आफ्टर फ्यूजन लिथियम बन गया, हीलियम बन गया, वो एक्टिव है कि नहीं? वो भी एक्टिव है। तो धीरे धीरे पता लगता है हाइड्रोजन भी एक्टिव है, हीलियम भी एक्टिव है, लिथियम भी एक्टिव है, इन बिटवीन जो फ्यूजन हो रहा है उसमें भी एनर्जी निकल रही है। तो धीरे धीरे ये बात पता लगता है कि सारे परमाणु है ना इस स्पेस के कोएक्सिस्टेंस में एनर्जाइज्ड हैं। इनसे बने हुए मॉलिक्यूल, उनसे बने हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनसे बने हुए सारे ये पिंड, ये सभी एनर्जाइज्ड हैं, स्पेस के कोएक्सिस्टेंस में एनर्जाइज्ड है ना। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं तो एक और बात निकल के आती है कि सिर्फ एनर्जाइज्ड ही नहीं है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी है, स्वयं में व्यवस्था भी है। तो जैसे एक परमाणु को देखें तो अपने में एक व्यवस्था के रूप में दिखता है, एक पेड़ को देखें तो हजारों करोड़ों सेल से मिलकर बना है, फिर भी वो एक व्यवस्था के रूप में बना रहता है। पूरे पृथ्वी को देखें तो ये भी अपने आप में एक व्यवस्था के रूप में बनी रहती है ना। पूरे सोलर सिस्टम को देखें तो वो भी एक व्यवस्था के रूप में बना हुआ दिखता है। तो धीरे धीरे पता लगता है ये सारी इकाइयां स्पेस के कोएक्सिस्टेंस में एनर्जाइज्ड भी हैं और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, स्वयं में व्यवस्था भी हैं। ये दूसरा अंतर संबंध समझ में आता है स्पेस और इकाई का। तीसरा जो अंतर संबंध इस संदर्भ में समझ में आता है वो ये कि इकाइयां शून्य के समर्जेंस में ऊर्जित भी हैं, स्वयं में व्यवस्थित भी हैं, और अपने से बड़ी व्यवस्था में अपने संबंध को पहचान कर निर्वाह करती हुई भी दिख रही है। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है ना। पेड़ पृथ्वी के साथ संबंध को पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी भी एक दूसरे के साथ इस संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। तो छोटी से छोटी इकाइयां भी संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। बड़ी से बड़ी इकाइयां भी संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। ठीक से देखने जाए तो हम एटम को एनर्जाइज करने के लिए कोई उसमें बैटरी बैकअप नहीं दे रहे, सारे एटम एनर्जाइज हैं। पृथ्वी अपनी जगह घूमती रहे, सूरज के चारों तरफ घूमती रहे, इसको थर्मल पावर प्लांट से हम एनर्जी नहीं दे रहे, ये एनर्जाइज है। हम आप टेक्नोलॉजी लगाकर अलग एटम या पृथ्वी या पूरे सोलर सिस्टम को व्यवस्थित नहीं कर रहे, ये स्पेस के कोएक्सिस्टेंस स्वयं में व्यवस्था है ना। और थोड़ा फैला के देखते हैं तो सूरज चंद्रमा के साथ, चंद्रमा पृथ्वी के साथ, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध को निर्वाह करे, इसके लिए हमने कोई है ना प्रोग्राम नहीं चला रखा है, हमारे प्रोग्राम के तहत नहीं चल रहा। ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं, हमने आपने इन संबंध के निर्वाह करने के लिए इनको बस नहीं कर रखा। ये तीन अंतर संबंध अपने को दिखाई देते हैं ना। उपासना दीदी मेरी आवाज आ रही है? मोहित जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक भैया, ईयरफोन के साथ बढ़िया आ रही है, जो लोग डायरेक्ट सुन रहे होंगे उनको थोड़ा हल्का लग रहा होगा, तो थोड़ा अगर बढ़ा पाए तो और अच्छा रहेगा। ठीक ठीक आवाज आ रही है अभी? ठीक है दीदी, अभी ठीक है दीदी? जी भैया ठीक है, ठीक जी है। अगर बीच में थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो तो मेरे को बताएं, मैं नेटवर्क चेंज करूंगा। तो एग्जिस्टेंस को देखने जाएं तो इतनी बातें हमने एग्जिस्टेंस के इंफॉर्मेशन के तौर पे आपसे शेयर की, आप इस पर सोच विचार जारी रखें
किसी 3 दिन के बड़े वर्कशॉप में, 8 दिन के फुल वर्कशॉप में आमने सामने जब अपन मिलेंगे तो इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, घंटों चर्चा की जरूरत है इन सारे मुद्दों पे, है ना। तो मैं इसको एक बार इस स्लाइड को समराइज कर दूं, तो मैंने स्पेस के बारे में 2 बातें कही कि यूनिट्स हैं और स्पेस है, एग्जिस्टेंस के बारे में यूनिट है और स्पेस है, यूनिट का आकार सीमित है और क्रियाशील है, स्पेस ऑल प्रोवाइडिंग है और उसमें कोई अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। इकाई और स्पेस को देखें तो उसमें जो अंतर संबंध है समर्जेंस का, उसको 3 तरह से समझ सकते हैं कि इकाइयां शून्य के समर्जेंस में एनर्जाइज्ड हैं, इकाइयां शून्य के समर्जेंस में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, इकाइयां शून्य के समर्जेंस में दूसरी इकाई के साथ संबंध को पहचान रही हैं और निर्वाह कर रही हैं, इस तरह से अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। इतने व्यू के साथ अब इस पूरे एग्जिस्टेंस को देखने जाएं तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है, उसका पिक्चर कैसा दिखता है, उसका एक व्यू आपके साथ अगली स्लाइड में मैं शेयर करता हूं। तो अगर आप देखें तो एग्जिस्टेंस के बारे में 2 वास्तविकताएं शुरू में हम लोगों ने रखी हैं, एक ये यूनिट है और स्पेस है जिसको अभी चर्चा किया, साइज लिमिटेड अनलिमिटेड, एक्टिविटी नो एक्टिविटी, सेल्फ एनर्जाइज्ड अनर्जाइज्ड, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड अनर्जाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड फुलफिल्ड, इतनी बातें हम लोग पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं यूनिट और स्पेस के रेफरेंस में। अब अगर यूनिट को देखें तब यूनिट भी 2 तरह की है, मटेरियल यूनिट और कॉन्शियसनेस यूनिट। दोनों में जो मुख्य अंतर है वो ये है, मटेरियल यूनिट टेम्परेरी नेचर का है, एक तरह से दिखता है, थोड़े दिनों बाद फिर से वो विरचित होकर दूसरे तरह के यूनिट में बदल जाता है। लेकिन कॉन्शियसनेस यूनिट को देखें, सेल्फ को देखें, तो वो कंटिन्यूअस नेचर का है, उसमें इस तरह का बदलाव नहीं आता, वो अपने आप में कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर के रूप में बना रहता है। तो दोनों यूनिट में मेजर डिफरेंस है कि मटेरियल यूनिट टेम्परेरी है, टेम्परेरी इन नेचर, वाइल सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज ए कंटिन्यूअस इन नेचर, है ना। बाकी रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट के बारे में पीछे बात हो चुकी है, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग की बात जब हो रही थी, तो अगर बॉडी को देखें तो बॉडी एक मटेरियल यूनिट है ना, हम अपने सेल्फ को देखें तो ये कॉन्शियसनेस यूनिट है, इसका डिटेल चर्चा उस सेशन में हुआ था। अब मटेरियल को देखें तो ये अपने आप में 2 ऑर्डर में दिखाई देता है, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर को थोड़ा समझने जाए तो सबसे छोटा और व्यवस्थित जो पार्टिकल दिखता है वो एटम है, एटम से छोटे भी पार्टिकल है बट वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, व्यवस्थित नहीं रहते। एटम अपने आप में व्यवस्थित है ना, डेफिनेट कंडक्ट का है जिसका अध्ययन हो सकता है। एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलकर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और वो बेसिकली फिर धीरे धीरे लंप बना रहे हैं, पिंड बना रहे हैं, धीरे धीरे वो ग्रह गोल है ना बड़े स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है एक तरह। दूसरा तरफ गैसेस हैं, लिक्विड हैं, इनको फ्लूइड के रूप में देखते हैं, गैसेस लिक्विड। जो बायो ऑर्डर का सबसे छोटा हमारा इकाई है जिसको सेल कह रहे हैं, वो उसके पोषक में, उसके बने रहने में सहायक है। अब बायो ऑर्डर का अध्ययन करने आते हैं तो उसमें जो सेल है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में प्लांट दिखता है, फिर उसी सेल का एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने को एनिमल बॉडी के रूप में दिखता है, फिर उन्हीं सेल से और थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के रूप में दिखते हैं, तो उन्हीं सेल से ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर बनते हुए दिखते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी भी। लेकिन ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड भी है, जो एनिमल बॉडी है वो एक तरह से प्लांट पे निर्भर दिखता है, ह्यूमन बॉडी को देखें तो एनिमल बॉडी और प्लांट दोनों पे निर्भर दिखता है, तो एक तरह से ये इंटरकनेक्टेड भी दिखते हैं, है ना। तो ये दोनों ऑर्डर को देखें तो वो इस तरह से दिखता है। ये जो एनिमल बॉडी है जब कॉन्शियस यूनिट के साथ, सेल्फ के साथ है ना, ये जब को एग्जिस्टेंस में आती है तो उस ऑर्डर को हम लोग एनिमल ऑर्डर कह रहे हैं, जिसमें विल टू लिव है ना। सिमिलरली ये जो ह्यूमन बॉडी है जब सेल्फ के साथ को एग्जिस्टेंस में आती है ना, एक साथ एसोसिएट होती है को एग्जिस्टेंस में, तो जो उससे ऑर्डर आ रहा है उसको ह्यूमन ऑर्डर कह रहे हैं। एनिमल ऑर्डर में विल टू लिव है, जीने की आशा है, ह्यूमन ऑर्डर में देखें तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के साथ विल टू लिव है, विल टू लिव तो है लेकिन विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अब ये ह्यूमन बीइंग का जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है ये राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से पूरा होता है ना। अगर उस राइट अंडरस्टैंडिंग का सेल्फ समझ पाता है, उसके आधार पर राइट फीलिंग रख पाता है, तो अपने में कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को फील कर पाता है और एक डेफिनेट कंडक्ट के साथ रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस में अपनी भागीदारी को कर पाता है। तो पूरा इस तरह से एक वेल कनेक्टेड दिखता है एंटायर एक्सिस्टेंस। अब इसको थोड़ा एक रूप में और देखते हैं कि और क्या इसका अंतर संबंध है। तो जैसे एक साइकिल आपको दिखेगा ये जो फिजिकल ऑर्डर है उसमें कैसे, तो जैसे समुद्र में पानी है, वाष्प बनेगा है ना, वेपराइज होगा, वो वेपर फिर पहाड़ों पे जाएगा, वहां या तो बर्फ बनेगा या पानी बन के बरसेगा, पानी फिर पूरे पृथ्वी से घूमते हुए समुद्र में आ जाएगी, बर्फ फिर पिघल के पूरा घूमते हुए, तो एक पूरा आपको नेचुरली साइकिल दिखता है ना। ऐसे ही अन्य जगहों पे भी कई तरह के आपको इस तरह के चलते हुए साइकिल दिखेंगे। अगर इस साइकिल को हमको टेक्नोलॉजी लगा के चलाना हो
कि इतना हमको पंप करके पानी पहाड़ों तक पहुंचाना, फिर वहां से गिरा के फिर वापस समुद्र तक लाना, इस सारे सिस्टम को अगर हमको टेक्नोलॉजी लगा के चलाना हो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन लाइफ कितनी कठिन होगी मुझे लगता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको देख पाए तो इस चलते हुए नेचुरल चक्र को, जिसके तहत ये सारी चीजें चल रही हैं, अपन अप्रिशिएट कर पाते हैं और इस चक्र के बने रहने में अपनी भागीदारी करके सहयोग कर पाते हैं। सिमिलरली देखेंगे तो प्लांट्स में भी ऐसे ही दिखता है कि प्लांट में पकते हुए उसको एनिमल्स ने खाया, तो जी प्लांट्स में जो पत्ते हैं उसको एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल से जो दूध हुआ उसको ह्यूमन बॉडी ने खाया, फिर ह्यूमन ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, वो वापस मिट्टी की जड़ों में गया, वो वापस प्लांट को फिर मिल गया और प्लांट फिर पत्तों के रूप में कन्वर्ट होने लगा। एक साइकिल यहाँ भी चलती हुई दिखती है बायो ऑर्डर में भी, और भी कई तरह की साइकिल्स हैं। सिमिलरली फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर में भी साइकिल चलता है, मतलब ये जो पेड़ है टूट के सूख के वापस मिट्टी में बदल जाता है, एनिमल बॉडी ह्यूमन बॉडी या तो जल के या मिट्टी में दफन होके वापस फिजिकल ऑर्डर में बदल जाता है, तो इन दोनों के बीच में भी एक साइकिल है ना। और जहां साइकिल है ना वहां पर बनना थोड़े समय बाद बिगड़ जाना, फिर बनना फिर थोड़े समय बाद बिगड़ जाना, ये चलता ही रहेगा। अब इसमें बनने को डेवलपमेंट कहें कि बिगड़ने को डेवलपमेंट कहें, तो बेसिकली साइक्लिक चीजों में डेवलपमेंट को देखना यही दृष्टि भ्रम है। तो हम कितनी भी सुंदर बिल्डिंग बना लें, आफ्टर फ्यू डेज है ना, इयर्स फ्यू मंथ फ्यू इयर्स वो डिकम्पोज हो ही जाता है। हम कितनी भी अच्छी गाड़ी ले आते हैं कुछ समय बाद डिकम्पोज हो ही जाता है ना। तब ये जो डिकम्पोजिंग चीजें हैं साइक्लिक नेचर की हैं, इसमें डेवलपमेंट को ढूंढना बेसिकली ये दृष्टि भ्रम है ना। यहाँ डेवलपमेंट अगर नहीं है तो कहाँ डेवलपमेंट है? तो डेवलपमेंट तो इस जगह पर है कि आदमी अपने आप को सही समझने के काम को कर ले, उसके आधार पे सही जीने को काम को कर ले, तो वहां जितना समझता है वो समझ के रूप में आदमी में बना रहता है, वहां साइक्लिक नहीं दिखता ना। तो बेसिकली डेवलपमेंट तो इस जगह पे है, एक बात तो ये। इसको थोड़ा और फैला करके देखेंगे ना, तो ये जो येलो कलर में आपको स्लाइड दिख रहा है जितना है ना, फिजिकल ऑर्डर बायो ऑर्डर है ना, जितना येलो कलर में दिख रहा है, इतने को देखेंगे तो एग्जिस्टेंस में इतना तो अपने आप में वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हार्मनी में है। तो जैसा कल उपासना दीदी कह रही थी, मोर देन 99% जो एग्जिस्टेंस का पार्ट है वो तो अपने आप में एक व्यवस्था के रूप में ही दिखता है। अब व्यवस्था तो दिखती है अभी ह्यूमन बीइंग के इमेजिनेशन में दिखती है, उसके आधार पर जो वो बिहेवियर और वर्क कर रहा है उसमें दिखती है अव्यवस्था। क्यों दिखती है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ऐसी इमेजिनेशन अपने में चला रहा है जो रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस के हार्मनी को समझे बगैर चला रहा है। एक बार अगर उसको समझ के अपने इमेजिनेशन को चलाता है तो इमेजिनेशन भी हार्मनी में होती है, उसका बिहेवियर वर्क भी हार्मनी में होता है, और ह्यूमन बीइंग भी इस हार्मनी का जो एग्जिस्टेंस का ये हार्मनी का सिस्टम है उस सुर में सुर मिलाकर जी पाता है और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो पाता है। तो मुख्य काम डेवलपमेंट का यहाँ होना है, जो शिक्षा का काम है, शिक्षक का काम है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों का काम है, तो मुझे लगता है इस पूरे एग्जिस्टेंस को ठीक से देखा जा सकता है। इसके साथ एक दो बातें और करके मैं समअप की तरफ बढ़ूंगा। एक बात तो ये कि थोड़ा आप इसको फैला के विजुलाइज करके देखें कि आप हैं, पृथ्वी पर हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पानी हवा के साथ बने हुए हैं, और ये पृथ्वी सूरज चांद तारे अपने एक सोलर सिस्टम के साथ बनी हुई है, ऐसे जाने कितने सिस्टम आकाश गंगा ब्रह्मांड के रूप में ही पूरे एक्सिस्टेंस में है। बड़ी पिक्चर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे इस पूरे सौर मंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मिल्की वे में। अगर इस पृथ्वी को अगर आप ढूंढने जाए तो शायद पेन के एक डॉट जैसा है ना। कभी उस पूरे पिक्चर को विजुलाइज करें अपने आप में, और उस पे हम आप हजारों करोड़ों लोग हैं है ना, जो रात दिन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं है ना, दुखी हो रहे हैं, दुखी कर रहे हैं है ना। तो अब इस पूरे विराट जो सृष्टि है उसके क्रम में देखेंगे तो पृथ्वी अपने आप में भी डॉट जैसी दिखती है। फिर हमारा आपका जो वजूद है उसको और देख सकते हैं कि उसकी क्या वजूद है। एक बात तो ये ध्यान दिलाना चाहता था। दूसरी बात जो ध्यान दिलाना चाहता था वो ये ध्यान दिलाना चाहता था कि ये सूरज चांद तारे ये सब एक्सिस्टेंस में बने रहें या आ जाएं, इसके बने रहने के लिए आने के लिए हमने आपने कुछ नहीं किया। हमारी बॉडी इस एक्सिस्टेंस में आ जाए इसके लिए भी हमने आपने कुछ नहीं किया, अपने सेल्फ के होने के लिए भी कुछ नहीं किया। अगर आप इस पूरे एंटायर एक्सिस्टेंस में हमने क्या किया उसका कंट्रीब्यूशन देखने जाए तो मेरा सेल्फ इस एक्सिस्टेंस में आ जाए उसके लिए क्या किया? नथिंग। वो है अपनी बॉडी के इस एक्सिस्टेंस में आने के लिए क्या किया? नथिंग है। सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस होकर के हम ह्यूमन रूप में आ जाएं उसके लिए हमने क्या किया? ये बॉडी चलती रहे उसके लिए पेड़ पौधे हवा बनाते रहे, पानी बनाते रहे, उसके होने के लिए हमने क्या किया? वो है,
ना, उसके लिए पृथ्वी सूरज चांद तारे ये कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा स्ट्रक्चर चलता है एग्जिस्टेंस का, उसके लिए हमने क्या किया? नथिंग। तो ना इस एग्जिस्टेंस में सूरज चांद तारे ग्रह गोल के होने के लिए किया, ना पेड़ के होने के लिए कुछ कर रहे हैं, ना बॉडी के लिए, ना सेल्फ के लिए। फिर भी हमको क्यों लगता रहता है कि दुनिया हमें चला रहे, है ना, इस दुनिया को, है ना, इन सबको चलाने वाले हम ही हैं। ये अहंकार कहां से आके बैठ गया हमारे भीतर? धीरे धीरे इस पूरे बड़े स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था को समझ सकते हैं और इस व्यवस्था के सुर मिलाकर जी सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, या मनमानी करके इसमें अव्यवस्था फैला सकते हैं, तो एटम विस्फोट करा सकते हैं, पशुओं के जींस बदल सकते हैं, है ना, फलों के जींस बदल, तो या तो इसमें अव्यवस्था फैला सकते हैं। लेकिन ये मनमानी करने का अवसर तो हमारे पास है एक तरह से, लेकिन दूसरे तरह से नहीं भी है। जब भी हम इस पूरे व्यवस्था को समझकर व्यवस्था में सुर मिला के जीते हैं, प्रकृति ने हमारे भीतर वो इंडिकेटर सुख के रूप में जलाती है, तो हमको सुख के रूप में महसूस होता है। लेकिन जब भी हम इस व्यवस्था को इग्नोर करके मनमानी करते हैं और व्यवस्था अपने अंदर फैलाते हैं, बाहर फैलाते हैं, वही इंडिकेटर दुख के रूप में हमारे भीतर दिखाई देता है। तो एक तरह से तो मनमानी करने के लिए हम आप फ्री हैं, लेकिन दूसरी तरह से बहुत फ्री नहीं है। अगर अव्यवस्था फैलाते हैं तो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, झल्लाहट बढ़ती चली जाती है। जितना हम व्यवस्था को सुनिश्चित समझ कर व्यवस्था में जी पाते हैं, टेंशन फ्री, फ्रस्ट्रेशन फ्री, है ना, दबाव मुक्त, हारमोनी में निरंतर सुख की तरफ बढ़ पाते हैं। ये दूसरी बात ध्यान में दिलानी थी मुझे। तो एग्जिस्टेंस को देखें तो इतनी बात समप के रूप में मैं कह दूं तो तीन बातें एग्जिस्टेंस के समप के रूप में है कि एग्जिस्टेंस इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स एंड स्पेस, देयर इज अ सबमर्जेंस ऑफ यूनिट एंड स्पेस, तो यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस बेसिकली, एंड देयर इज अ हार्मनी इन दिस एग्जिस्टेंस, है ना, और ये यूनिट उसमें अपने संबंध को पहचान कर निर्वाह करते हुए इस हार्मनी में अपनी भागीदारी को पूरा निभा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो काम है वो इस कोएग्जिस्टेंस को, इस हार्मनी को समझना एक काम है, दूसरा समझ करके उसके अकॉर्डिंग जीना एक काम है। जब हम समझ करके वैसा जी पाते हैं तो हैप्पीनेस का इंडिकेटर अपने भीतर पाते हैं, और जब भी समझने में चूक होती है, वैसा जीने में चूक होती है, तो अनहैप्पीनेस का इंडिकेटर अपने भीतर पाते हैं। तो इतनी बात एग्जिस्टेंस की चर्चा में हमको करनी थी। ऑफकोर्स यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के भीतर भी ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे, बहुत सारे हैंड रेज दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा समय अभाव के कारण उन प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा, है ना, मात्र एक सूचना आपके साथ शेयर की, कभी बड़े वर्कशॉप में अपन मिलेंगे तो इन सारे प्रश्नों पर बहुत डिटेल